खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विकास ढूंढो यात्रा के पांचवें दिन अगस्त क्रांति मंच के क्रांतिकारी गांव गांव जाकर विकास ढूंढते नजर आए। विकास ढूंढो पदयात्रा के माध्यम से अगस्त क्रांति मंच के लोग ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य को ढूंढ रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से हमारे प्रतिनिधि दीपक तिवारी ने बात की तो उन्होंने बताया कि स्थितियाँ बहुत खराब हैं। अभी तक हम 90 से 100 गांव की पदयात्रा कर चुके हैं। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो हमारे यात्रा में व्यवधान डालने का भी प्रयास करता है, लेकिन विकास के लिए जो लोग ललायित हैं उनके हौसले को देखकर कोई परेशानी समझ में नहीं आती। चलने के लिए रास्ते, पगडंडियां, मेट तरह तरह के, लेकिन अगर विकास ढूंढने निकले हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत कष्ट होता है आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसी स्थिति देखकर, जो राशि हमारे जनपद के विकास के लिए आई हुई थी उसको भ्रष्टाचारी खा गए। अगर उसकी ईमानदारी से रिकवरी हो जाए तो नई गढ़ी जनपद देश का स्वर्णिम जनपद होगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा कि गांधी जी के बताए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अगर इनकी समस्याओं का समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो अमरण अनशन करूंगा। 30 तारीख को नई गढ़ी में एक विशाल आंदोलन होगा और अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अमरण अनशन होगा। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि लोगों को जगाने निकला हूं। आज पांचवें दिन बेला कमोद ग्राम पंचायत के मिसीरा बसोर बस्ती में पहुंची तो यहां बसोर बस्ती के लोगों की समस्याओं की झड़ी लग गई। एक महिला तो अपनी पीड़ा बताते हुए फफक फफक कर रो पड़ी। महिला ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हमारे बच्चे का निधन हो गया तो उसे दफनाने के लिए हमारे पास 2 गज जमीन नहीं थी। पहले हम जहां अंतिम संस्कार करते थे वहां लोगों ने मना कर दिया। अंत में हमें अपने घर के बाहर में अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह पूरी घटना आदिवासियों के प्रति जताई जा रही चिंता और सरकार की आदिवासियों को बढ़ाने की नीतियों पोल खोलती हैं। इस पूरे मामले पर जब मऊगंज अनुभाग के SDM AP द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द उस बस्ती में पहुंचकर जमीन को चिन्हित कराकर बसोर बस्ती के लिए अंतिम संस्कार के लिए जगह को चिन्हित करेंगे। अगस्त क्रांति मंच के विकास यात्रा निरंतर जारी है। गौरतलब है कि नई गढ़ी जनपद पंचायत के 300 से अधिक गांव में यात्रा जाएगी और खोए हुए विकास को ढूंढने का कार्य करेगी। हाँ, मट्टी जलाने का पहले सरकारी भीट मिलता है, अब उनके लोग बाग सरपंच लगाते हैं कि एंटनी नहीं जाएगा, तो हम जगह जला रहा है अब अपने जगह में। अब हमारे लड़के खत्म है तो अपने आरोप लगा रहा था अपने जगह में जहाँ सरकारी रहा जहाँ रोड लगवा दिया। अब वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारे जगह जाओ तुम मन करो दफनाओ, कहाँ कहाँ जाए डेहरी पर गाड़े है ना, और कहाँ गाड़े हमारे लोग की जगह नहीं था डेहरी पर भी तरह गाड़े। हाँ, लड़का भी आधे पद देख ले चली सर देख ले हमारे घर में दुआरे पर करे हैं। ये बसोर बस्ती की हकीकत है जो आप देख रहे हैं कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंसान को अगर भगवान ने जन्म दिया है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज भूमि तो चाहिए, लेकिन ये आदिवासी लोग, ये बसोर बस्ती के लोग आज उस अपने अंतिम जीवन की यात्रा को 2 गज जमीन के लिए तरस रहे हैं। जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी आदिवासियों के लिए नई नई योजनाएं की बात करते हैं, लेकिन हकीकत से ये सब कोसों दूर है। यहाँ पर और कौन कौन सी परेशानी है आपको? हाँ, परेशानी इतनी है साहब कि वोट के लिए सब आते हैं और जब कुछ मुसीबत पर जाएंगे तो कोई भी नहीं आती है। तब तक कोई दिखाई नहीं देंगे, सब लगा लगाएंगे कि साहब कहाँ बताइए आप भी के जगह में मिट्टी दे दे, कहें कि नहीं अपना जहाँ जगह होगा जहाँ अपना काम कर रही है तो कहाँ जाएंगे। 100 साल के बाद सगले मट्टी वहीं भी जा रही है। अब आसों से आरोप लग गया तो अंत नहीं, आप दुआरे में करे लागे। विकास ढूंढो यात्रा पांचवा दिन, यात्रा के पांचवे दिन कहाँ तहाँ कहाँ कितने गांव कवर हुए? अभी पांचवे दिन हम लोग बेला कमोद में हैं। अब बेला कमोद की मिसरा बसोर बस्ती है, यहाँ पहुँच चुके हैं। अपने लगभग 90 से 100 गांव अब तक कवर हुए हैं पांचवे दिन अभी तक। क्या चुनौतियाँ सामने आई अभी तक यात्रा में? भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यवधान डालने का भी प्रयास करता है, लेकिन विकास के लिए ललायित जो लोग हैं उनके ललक और हौसले को देख के कोई परेशानी दिखती समझ में नहीं आती है। हाँ,
चलने के लिए रास्ते, पगडंडियाँ, मेड़ और इस तरह के, पर अगर विकास ढूंढने निकले हैं तो ये परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही। जिस तरह आप निकल चुके हैं यात्रा में, पांचवा दिन है आज, कैसा विकास देखने को अभी तक जमीन में आपको और गांवों में मिला? बहुत कष्ट होता है, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। आज़ादी के 75 वर्ष, जो भी आता है विकास लेके आता है, लेकिन वो विकास कहाँ गुमा है, और भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है। और अगर प्रशासन साथ दे दे, सरकार साथ दे दे, केवल जो राशि हमारे जनपद को आई थी उतनी राशि की रिकवरी हो जाए, तो मध्य प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान का सबसे स्वर्णिम जनपद नई गढ़ी बन सकता है? इतना बड़ा स्कैम और घोटाला है, तालाब जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की मन की बात में बोलते हैं, और ज़रूरी भी था, अमृत सरोवर, पुष्कर सरोवर, रोड, PCC रोड, बस्तियों का विकास, नाली, लगभग कई कई ऐसी पंचायतें हैं जहां लगता है कि 80% से ज़्यादा राशि फर्जी निकाल ली गई है। केवल उतनी राशि की रिकवरी हो जाए तो हमारा स्वर्णिम नई गढ़ी जनपद बन सकता है। अभी आप बसोर बस्ती में बैठे हुए हैं, ये मिसिरा और बेला बसोर बस्ती है, जहाँ देखा जाता है कि केवल चुनाव के वक्त लोग आते हैं। ऐसी बस्तियों में चुनाव के बाद कोई आना उचित नहीं समझता है। आप घर घर, गांव गांव और विशेषकर ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं, इनकी समस्याएं देख के आपको कैसा लगता है? चूंकि इनके यहाँ वही आज़ादी के 75 साल पहले वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है, जबकि देश आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इनकी जो स्थिति है और सही तरह से आकलन किया जाए तो आज भी ये काला पानी में है। आप अभी चल के आए हैं हमारे साथ, और लगभग 1 किलोमीटर खेत की मेड़ों से, कल्पना करिए कि बरसात में जब अच्छी बारिश लगी रहे, चारों तरफ पानी भरा होता होगा, तो ये बस्ती लगता होगा कि जैसे वो काला पानी का टापू रहा हो उस तरह से, और उस कल्पना से डर लगता है कि क्रांति जिंदाबाद।